बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर ऑडियंस। एक नया एनसीओसी ने इजलास तलब कर लिया है, आपके सामने ये नोटिफिकेशन है। आप देख रहे हैं ये 2 अगस्त की मीटिंग का एजेंडा था और उसमें एक नया इजलास एनसीओसी का 4 अगस्त को बुला लिया गया है। कोविड-19 की जो शरह है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, बीमारी बहुत ज़्यादा फैल रही है, कोरोना की वबा जो है, ख़ास तौर पर ऐसे अजला जिसमें लाहौर है, रावलपिंडी, फैसलाबाद, मुल्तान, पिशावर, अहमदाबाद, मुजफ्फराबाद, मीरपुर, गिलगित और सकरपुर, इस्लामाबाद में के अजला में जो है ज़्यादातर कोरोना के जो केस की शरह है वो बहुत ज़्यादा हो गई है। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या तालीमी इदारे बंद कर दिए जाएंगे? तो जी हाँ डियर ऑडियंस, ये आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स के बॉक्सिंग, मार्शल आर्ट्स, रग्बी, वाटर पोलो, कबड्डी और रेसलिंग वगैरह के जो तमाम ग्राउंड्स वगैरह हैं उन पर सब पर पाबंदी लग दी है। जिम पर पाबंदी लगा दी गई है, ये जिम के जो भी हैं उन पर, इंडोर और आउटडोर जो गेम्स हैं उन पर भी पाबंदी लगा दी गई है। इसी तरह ऑफिस रूटीन 100% से कम करके 50% पर ले आए हैं उनके ऑफिस के जो मुलाजमीन हैं वो 50% हाज़री देंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को 100% से कम करके 70% चलाने पर गौर किया गया है। रेलवेज़ भी इसी तरह 100% से 70% चलेंगी। और इसी तरह आप ये देख रहे हैं क्लोजर अम्यूमेंट पार्क्स, वाटर स्पोर्ट्स और इन सब पर महदूद मुदत के लिए पाबंदी लगा दी गई है। सवाल ये पैदा होता है कि जो एजुकेशन के तालीमी इदारे हैं, स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, क्या इनको बंद कर दिया जाएगा या नहीं? यस या नो में इसका जवाब कल की मीटिंग में दिया जाएगा। 4 अगस्त को कल के एनसीओसी के इजलास में ये फैसला कर दिया जाएगा। फेडरल मिनिस्टर ने फैसला करना है कि आया इन इजला के जो तालीमी इदारे हैं उनको बंद कर दिया जाए या खुला रखा जाए। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। नाज़रीन, अगर आपको ये पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब का रेड बटन आपके बिल्कुल सामने है उसको प्रेस करो, उसके साथ ही बेल आइकन का घंटी का बटन है उसको प्रेस किया करें ताकि हमारा नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलता रहे। एक नई वीडियो के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। शुक्रिया, अल्लाह।